दत्ता बाबू आपकी किताब शुरू होती है एक बहुत बड़ी कविता से बहुत ही प्यारी कविता है जो टीना वाजपेयी जी ने लिखी है उसकी तीन पंक्तियां मैं सुनाऊंगा शी राइज इन होप दैट ईच डे शी विल हियर ऑफ विमेन लिविंग मोर इक्वली एंड हैप्पीली देन हर वुमेन लिविंग विथ होप एंड नॉट फियर कमाल की कविता की स्टार्ट है एंड दिस ऑल यू you नो know, ये वो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली, वाली रानी थी बुंदले हर बुंदोल से हमने सुनी कहानी थी, थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली झांसी वाली रानी थी।, थी बहुत अच्छा लगा आपसे वार्तालाप करके आ, मैं हमेशा कहता हूँ कि आपसे बहुत कुछ सीखने मिलता है और आपने जितना देश देखा है मैं बहुत कम एनालिस्ट से मिला हूं जिसने आप जैसा भारत भ्रमण किया है So और कई बार मैं कहता हूँ ना कि वो क्या जाने भारत को जो सिर्फ जाने भारत को अगर भारत को जानना है इन डेप्थ चाहे वो मुंगेर हो दीमापुर हो सोटा हो बरेली हो मतलब मैं जब भी इनको फोन करता हूँ ना इस इस इंटरव्यू के लिए भी आप कहाँ हैं अजय मैं आज फलाने गांव में हूं, आज कहाँ है आज मैं असम में हूँ आज कहाँ है आज मैं हैदराबाद में हूँ ये, ये तुम तो, नहीं मैं ये सच है यहाँ मैं कुछ भी बड़प्पन वाली बात नहीं है तो दत्ताबू बहुत बहुत अच्छा लगा तो बहुत भी भी बहुत शुक्रिया कि तुमने ये किताब पढ़ी और इस पर वो इंटरेस्ट दिखाया कि हमने ये आज बात की नहीं नहीं मैं तो ये तो मेरी, मेरी कॉपी है। सो पॉजिटिव लाइफ योर आउटलुक दैट ऑलवेज इंस्पायर्स मी ये तो दत्ता बाबू की कॉपी है ये मेरी कॉपी है आप देख सकते हैं 2015 में मैंने पढ़ी थी अभी भी अंडरलाइन है चीज़ें और आपसे मेरी एक गुजारिश है इस किताब को आप थोड़ा एक और नया चैप्टर लिखें कि 2015 में आपने क्या देखा और 2024-25 में क्या हो रहा है बिकॉज ये हाफ बिलियन राइजिंग 50-60 करोड़ हमारी महिलाएं हमारी बच्चियां, ये अगर आगे बढ़ेंगी तभी हमारा शेयर बाजार आगे बढ़ेगा तभी हमारा जीडीपी आगे बढ़ेगा और जो अमृतकाल की हम बात कर रहे हैं वो जरूर आएगा वो तभी आएगा वो तभी आएगा उसके अलावा तो ये आना आप नामुमकिन ही समझ के चलिए बिल्कुल

परिवार वालों को बहुत दुख दे दिया ठीक है तो ये दुख भी सही तुम्हारे खुशी के लिए तो इसमें क्या आपत्ति है तुम्हें तो उसने जो कहा ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो उन्नीस साल बीस साल की लड़की होगी उसने कहा कि देखिए अगर मैं जाके किसी ऐसे लड़के से विवाह करती हूँ जो सोचिए मेरे जात का ना हो और उसमें हमारे परिवार वालों को अगर आपत्ति हो तो उसके बाद क्या होगा सारे लोग घर बिरादरी के यही कहेंगे इसीलिए बोला था लड़की को इतना पढ़ाया मत करो क्या बात है? पढ़ाने से यही होगा क्या बात है और तब क्या होगा मेरा तो जो होना हो गया होगा बट उस गांव में उस बिरादरी में बाकी जो छोटी छोटी लड़कियां हैं बहुतों का पढ़ाई नहीं होगा मैं आज भी जब ये कहानी सोचता हूं या सुनाता हूं तो आज भी मेरा गला थोड़ा स्वर काप उठता है मेरे खड़े हो रहे हैं आपकी ये बात सुनकर वाह क्या दूरदर्शिता है एक छोटी साल की बच्ची कितनी मच्योर है इनकी सोच और ये कौन सा युद्ध लड़ेंगी और कौन सा नहीं लड़ेंगी ये खाली ये जजमेंट वो या सोच इनकी खाली अपने सेल्फिश इससे नहीं थी दृष्टिकोण से पर वो सोच रही थी कि इससे बाकी समाज में मेरे बाकी बहनों में या मेरे बाकी सहेलियों को क्या फ़र्क पड़ेगा उसके बाद और एक बात हुई वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई थिंक टाइम मैगजन मोस्ट इंपोर्टेंट डिस्कवरी बच्चे और कब पैदा करे इसमें पहले औरतों कोई से ही नहीं था क्या बात है और उनके कंट्रोल में आ गया उनके कंट्रोल वो मर्दों के हाथ से वो कंट्रोल निकल गया एक तरह से कि मैं जब चाहूँगी तब बच्चा पैदा हाँ। होगा वो मेरे कंट्रोल में आ गया हाँ। है क्या बात है तो ये जो हुआ इससे एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिला औरतों को कि कंटिन्यू ऑन द वर्क फोर्स आपने कहा कि अगर गैस सिलेंडर भी पहुंच जाता है तीन चीज़ों में होता है एक तो समय बचता है और अगर वो चूल्हे का धुआं आप नहीं इनहेल करते हो तो आपका सेहत तो अच्छी हो है, है। और वो लकड़ी ढूंढ के आना चूल्हे में कोयला डालना उसका पूरा का पूरा समय बचता है एक गैस सिलेंडर से एक तीर तीन शिकार तो घर से निकलने ही दिया नहीं जाता बिल्कुल था जा पिताजी नहीं है तो निकलने नहीं देते नहीं तो मुझे, याद एक मुझे बता रही थी लाइन यूज किया था जब वो लाइन किताब में भी है उसने कहा था मैं तो इसी डर से पढ़ती थी कि कहीं शादी ना कर दे डॉक्टर थे पिताजी एकदम एनलाइटेंड लोग थे पर वो कहते थे यहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है अगर ये ठीक से बच्ची पढ़ेगी लिखेगी नहीं तो हमें जल्दी शादी कर देनी पड़ेगी अब वो, वो बनी डॉक्टर उसने पढ़ाई की कहीं पटना मेडिकल कॉलेज में कहीं आके वो डॉक्टर बनी अच्छा फिर क्या हुआ उसकी एक शादी एक इंजीनियर से हो गई अच्छा अच्छा वो रिश्ता आया कहीं से शादी हुई अब ये क्या थे साहब इनलाइटेंड एक इंजीनियर है बहुत ही ब्राइट है और तो इन्होंने जैसे होता है बिहार में पूछा गया होगा जो भी तो तो इन्होंने डाउरी लेने से साफ इनकार कर दिया वाह एकदम बिल्कुल ही ही मना कर दिया बोले पागल हो 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 गया ऐसा तो 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 नहीं नहीं सकता है। तो हुआ भी तो शादी गई अब देखिए बाकी परिवार में क्या बात फैली तानवी की शादी हो गई बिना दहेज के क्योंकि वो पढ़ी लिखी है वो डॉक्टर है तो बाकी परिवार में भी चला कि हमारे बेटी बच्चियों को भी डॉक्टर इंजीनियर बनाना चाहिए तो शादी दहेज की हो जाएगी क्या बात है तो ये जो एक वर्चुअस साइकिल शुरू होता है यह अलग-अलग सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में सोसाइटी के अलग-अलग तरीके से होता है एक बिटिया कहती है कि मैं अपने समाज में शादी करूंगी ताकि लोगों को ये ना लगे कि ये पढ़ लिखली इसलिए समाज के बाहर शादी कर रही है हाँ। बिगड़ एक, गई बेटी बिगड़ गई बेटी दूसरा आप इंसिडेंट बता रहे हैं कि एक बिटिया की शादी एक इंजीनियर से होती है जो कहता है कि मैं दहेज नहीं लूंगा इसलिए अब लोग उसको इंटरप्रेट करते कर क्या, क्या 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 बात है कहानिया अब आपकी किताब में आपने दो कहानियां सुनाई हैं और उससे मैं एक पुरुष का दिमाग क्या होता है पुरुष कैसे सोचता है और महिलाएं कैसे सोचती हैं एक आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है अमिताभ बच्चन जी की पिक्चर अभिमान जी जो जया बच्चन जी थी उन पिक्चर में जहां पर पिक्चर में शायद ये दिखाया गया है कि जहां महिला मर्द से बेहतर होती है जहाँ बीवी हस्बैंड से बेहतर होती है उसमें ईर्ष्या आ सकती है क्या बीवी आगे निकले ना निकले और उस कॉन्टेक्स्ट में आपने एक और कहानी सुनाई है मेरी कॉम जो हमारी बहुत ही काबिल बॉक्सर रही हैं कि उनके जो हस्बैंड थे ऑनलर आई डोंट नो अगर मैं उनका उच्चारण सही कर रहा हूँ कि नाम का हम कहते हैं ना कि हर मर्द के पीछे एक महिला होती है यहाँ पर एक कहानी है जहाँ एक सक्सेसफुल महिला के पीछे उनके पति थे जिन्होंने देखा कि यार ये मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड है इनको मैं आगे बढ़ाऊँ इस चीज़ पर बताइए कि मानसिकता और ये मर्दों की थिंकिंग और औरतों की थिंकिंग में आप क्या सोचते हैं नहीं बिल्कुल ये तो बहुत ये तो ज़रूरी है जैसे कहते हैं ना मतलब वो सपोर्ट तो चाहिए ही होता है आज जैसे हम और तुम जितना भी कह ले कि हमने मेहनत किया और पढ़ाई की और हमें डिग्री मिली बात तो ये खाली हमारे और तुम्हारे मेहनत की नहीं है या हमारे दिमाग की भी नहीं है इसमें तो बहुतों का योगदान गया जैसे मैं कहता हूँ मतलब हमारे पेरेंट्स का तो गया ही बट सोसाइटी मेरे बहनों का यू नो इन द प्रोसेस मैं आगे बढ़ा यू you नो know, और ये का ट्रेडिशनल इंडियन फैमिलीज में तो काफ़ी हुआ ही है और आ, आ, हम माने या ना माने तो मुझे तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिला मेरे बहनों से आगे बढ़ने का और आ, ये हकीकत है पर, मेरे परिवार में भी ऐसा है तो यह पर हमारे अब एक बार वापस आपने कहा था कि आ, ब्रेवरी में हम दुर्गा जी को बिल्कुल सरस्वती जी को लक्ष्मी जी को आ, तो हम अगर हमारी गॉडेसेस को देखें राइट जैसे हम दुर्गा पूजा तो कलकत्ते में हर साल में अभी भी जाता हूं सेलिब्रेट करने के लिए देखने के लिए एक चीज मैंने देखा है कि हिंदू गॉडेसेस के बहुत सारे हैं ठीक है मेल गॉड्स के टिपिकली जो हमारे भगवान है उनके

तो जब स्कूल में जाता था उसके बाद भी काफ़ी बार में उसे जैसे हर बाप देता है लेक्चर देता था ये करो वो करो ऐसा मत करो ये क्यों किया ये चलता था फिर पंद्रह मिनट का भाषण और वो हाँ हाँ करता था कभी पता नहीं सुनता था नहीं सुनता था जो भी है क्यों आजकल के रिश्ते तो माँ बाप और बच्चों में बदल गया हमारे ज़माने से और वो बदलता ही रहता है हर ज़माने में पहले एक पावर डिस्टेंस था आज की तारीख में पावर डिस्टेंस नहीं है तो फिर एक दिन मेरे वाइफ ने बोला ये क्या तुम ये बिल्कुल गलत कर रहे हो उन्होंने क्यों ना लड़कों को क्या है मल्टी टास्क क्या ज़्यादा प्रोसेस नहीं होता है उसे जब बोलते हो ना तो एक चीज़ बोला करो तो शायद उसके ध्यान में रहेगा वो करेगा तुम उसको तीन चीज़ समझाते हो एक ही साथ वो क्या है उसको एक भी नहीं पाला पड़ता है और फिर कुछ नहीं होता उस पर और जो बात कही मल्टीटास्किंग तो वो करते ही है वो गोदी में बच्चा लिए वो खाना भी बना रही है फिर कहीं किसी को फ़ोन आ गया वो भी कर रही है किसी को कुछ देना हो तो वो भी दे दिया खाना भी दे दिया नाश्ता भी दे दिया तो इनक्रेडिबल द वुमेन आर इनक्रेडिबल इंडस्ट्रीज आ रही है ना यहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयज की संख्या बहुत ज्यादा है जैसे आप टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स लीजिए ऑलमोस्ट हंड्रेड परसेंट ऑफ द वर्कफोर्स ऑन फैक्ट्री शॉप फ्लोर इज वुमेन सारी लड़कियां हैं आप फॉक्सकॉन लीजिए आज तीस हजार लोग काम कर रहे हैं उसमें जितने फैक्ट्री शॉप फ्लोर पे है सारे के सारे लड़कियां हैं क्या बात है और uh, क्या है? वहाँ प्रोडक्टिविटी ज्यादा है एबसेंटिज्म कम है वो लोग छुट्टी कम लेते हैं वो लोग आई खेलने नहीं जाते हैं आई पी देखने नहीं जाते हैं वो लोग वर्ल्ड कप देखते नहीं हैं हाँ वो लोग दही हंडी नहीं करते हैं वो ये सब में इनका टाइम नहीं है वो जाते हैं, फिर घर में चले जाते हैं और आप अगर उनमें से कहानियाँ सुने मैं फॉक्सकॉन के एक बोर्ड के डायरेक्टर से मिला था कुछ महीनों पहले तो कह रहे थे उनके हर बोर्ड मीटिंग में इंडिया के इंडिया में वो लोग तीन या चार फ्लोर के वर्ग लड़कियों को लाते हैं जैसे उनकी कहानी सुनने के लिए कहते हैं अनिरुद्ध अगर उनकी कहानियाँ सुनोगे तुम तो तब लगेगा हाँ ये रिवोल्यूशन हो रहा है एक्चुअली एक एक लड़की का जैसे जिंदगी चेंज हो रहा है एक एक परिवार का जो किस्मत बदल रहा है ये देखने लायक और सराहनीय है तो हमें ऐसे सेक्टर्स को तो और इंकरेज करना पड़ेगा और इसीलिए तमिलनाडु गवर्नमेंट भी हॉस्टल्स बना रही है लड़कियों के लिए जहाँ पे लड़कियां रहेंगी और ये सब हैवी इंजीनियरिंग कंपनियां हैं तो वो कह रहे थे ये जो हंड्रेड परसेंट वेमेन वाली है इसके पीछे और एक बात भी है मतलब पेरेंट्स आर मोर कम्फर्टेबल पेरेंट्स को लगता है अगर वो फैक्ट्री हो जहाँ पे लड़के हैं लड़कियाँ हैं तो वहाँ पर हम ज्यादा कंफर्टेबल है अपने बच्चों को भेजने के लिए और ये भी एक वजह है सेकंड ऑर्डर इफेक्ट ये है कि पेरेंट्स भी खुश हो जाते हैं कि सब लड़कियां ही हैं वहाँ जो कब लड़कियाँ हैं। हैं। क्या बात है इनफैक्ट शायद मैंने वो नीलेष मिश्रा का वो एक स्लो इंटरव्यू होता है हाँ। मैंने देखा था उन्होंने शायद एक बहुत प्यारी बात कही थी कि आ, ए सड़क तूने मेरे गाँव में आने में देर कर दी मेरा गाँव तो अब शहर में बस गया है कुछ जैसा कहा तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो बात तो आपको नीले मिश्रा के गांव की कहानी पता है क्या नहीं अच्छा तो मैं उनके गांव में गया हूँ तो अच्छा, मैं उनको थोड़ा बहुत जानता हूँ अच्छा, कभी मिलाइएगा मुझे बहुत अच्छी लगती तो निलेश। ये जो नीलेष मिश्रा है ना इनकी तो करियर तो बहुत दिलचस्प है ये हिंदुस्तान टाइम्स में काम करते थे फिर शायद टी में क्या क्या नहीं पता नहीं फिर उन्होंने एक किताब लिखी छोड़ के एबसेंट स्टेट राहुल पंडिता के साथ फिर वो बॉम्बे आ गए और स्क्रिप्ट राइटिंग और सॉन्ग लिरिक्स लिखे एक था टाइगर और कुछ कुछ और भी काफ़ी सारी फिल्मों में लिखी फिर एक दिन सब छोड़ छाड़ के और उन्होंने काफ़ी सारे यंग लोगों को ब्रेक दिया द वे एक बार वो स्थापित हो गए उन्होंने बहुत सारे लोगों को ब्रेक दिया फिर वो रेडियो में स्टोरी टेलिंग में गए का, कहानी सुनाते थे और उन्होंने कहानी में भी लोगों को बहुत ब्रेक दिया आप कहानी लिखिए मैं पढ़ूंगा तो ये भी बहुत हुई उनके इस पर फिर एक दिन वो वापस चले गए लखनऊ अब उनके जो पिताजी थे ना वो जियोलॉजिस्ट थे अच्छा डॉक्टर शिव बालक मिश्रा ठीक है ठीक है वो जियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने कनाडा में थे उनके नाम पे एक डिस्कवरी भी है वहाँ पे कुछ इनफैक्ट मैं उनका एक वीडियो देख रहा <coughs> था उस जमाने में उन्होंने कुछ, फाइल हाँ, थे, कुछ अमेरिका किया गांव से कुछ जैसे 20 किलोमीटर जाके स्कूल में आते हाँ, थे और रास्ते में सांप था आए दिन आए बाढ़ भी आ जाता था पानी बह जाता था तो वो जब आए और जब फिर वो वापिस आ गए की गाँव में कुछ करना है और जब ये रिश्ता भी आया शादी का हाँ। नीलेश के मम्मी के साथ तो वो बहुत ही मतलब वो मिलने लायक तो, जो भी है तो वो उनकी एक ही शर्त थी कि देखिए मैं तो गांव में कुछ करूँगा और अगर मतलब आपको इस पथ पे चलना हो मेरे साथ तो ही शादी करिए वरना तो इस तरह से उन्होंने भी ये बात मानी और शादी हुई वो लोग दो भाई हैं फिर उन्होंने गाँव में एक स्कूल स्थापित किया उसके बाद उसको नीले मिश्रा ने बहुत बड़ा किया और आ, काफी सारे उनके उनके स्लो स्लो इंटरव्यूज़ इंटरव्यूज़ वहीं पे पे होते उनके उनके पे होते हैं। मैंने गांव के घर ही सारे स्लो देखे। अच्छा, दो दो घंटे कई बार मैं गाड़ी चलाता हूँ या तो सुनता हूँ और इतनी डीप बातें कर जाते हैं ना वो कभी कभी एक एक लाइन में उस पर अच्छे से जानतेगा